न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभु जी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार चुनावी प्रत्याशी जो है वो अपने पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में ये तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और राजकुमार नैन के पक्ष में प्रचार करते हुए जो है वो हमें दिखाई दिए हैं। और यहाँ पे एक ये सबसे छोटा बच्चा है, देखिएगा इसके हाथ में जो है इसने ये पंपलेट पोस्टर जो है वो ले रखे हैं और लगातार चुनाव प्रचार राजकुमार नैन के पक्ष में जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर राजकुमार नैन जी के साथ जो लगे हैं, चौधरी रणजीत सिंह से समर्थित उम्मीदवार हैं, तो ऐसा क्या खास देखा है, क्यों उनके साथ ये लगे हुए हैं? भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा, राजकुमार नैन जी के साथ आप प्रचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या खास है उनमें? चौरी साहब हमारे यहाँ पे हरियाणा सरकार के मंत्री हैं। चौरी साहब ने यहाँ विकास बहुत करवाया है। यहाँ पर देखे तो पानी के नाम पे गग्गर का पानी हर गांव में लग रहा है और बाबा मुंगानाथ के मंदिर पे करोड़ों रुपए की राशि, जो यहाँ पे खारिया में बहुत ही धार्मिक स्थल है, वहाँ पे करोड़ रुपए की राशि दी है और गाँव में हर गली जो थी कच्ची थी उनको पक्की करवाने का काम किया है और पाइपलाइन पानी के पीने का भी हर एक जगह संबंध किया है। हमारा यहाँ पिछड़ा हुआ हो गया था, 32 साल हो गए, इस बार चौधरी साहब हमारे जीते हैं। 2-3 साल में बहुत ज़्यादा विकास करवाया है और चौधरी साहब अभी 2 साल सरकार के पड़े हैं और हमें आशा है कि चौधरी साहब हम यहाँ से जिला परिषद का चुनाव जिताकर भेजेंगे और हमारे खारिया में और इस वीरानिया हलका में चौधरी साहब भी विकास करा सकते हैं। और एक चंद नेताओं में आते हैं हरियाणा सरकार में, वो चौधरी साहब की पूरे हरियाणा में एक कैबिनेट मंत्री में पूरे ही एक दो गिनती है, जो मेन नेता है उनमें गिनती हमारे मुख्यमंत्री में विश्वास पात्र के नेता, इसलिए हमें चौधरी साहब को देखते हुए हम राजकुमार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर यहाँ से विजय बनाकर भेजेंगे। ठीक है भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों, क्या ऐसा खास लगता है राजकुमार? ऐसा है जी, राजकुमार जी जो है, एक तो सबसे पहली बात है कि चौधरी साहब ने जो कैंडिडेट का चुनाव किया ना, वो बड़ा अच्छा चुनाव किया है, क्योंकि राजकुमार जी पहले तो मेंबर पंचायत रहे हैं और मेंबर पंचायत रहकर भी एक मेंबर पंचायत की बड़ी छोटी सी भूमिका होती है गाँव के विकास में। उन्होंने बड़ी अच्छी सरपंच साहब के साथ मिलकर गाँव में अच्छी एक भूमिका अदा की। उसके बाद ये गौशाला खारिया के प्रधान बने, इनके कार्यकाल में गौशाला में इतना ज़्यादा मतलब गौओं के स्वास्थ्य में या उनके चारे के प्रबंध में, मतलब मैं तो उनको ये कहूँगा कि ये एक गौ सेवक हैं, इन्होंने इतनी अच्छी सेवा करी, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, बड़े साफ सभी के इंसान हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है, इन जोन के 15 गाँवों में राजकुमार जी को जो इतना जन समर्थन मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चौधरी रणजीत सिंह जी ये रानिया हल्का के पूरे हल्के के गाँवों को अपना खुद का परिवार समझते हैं। एक एक आदमी से उसकी किसी भी तरह की समस्या हो, पर्सनली उसको फ़ोन करके या उनसे मिल के, और हफ्ते में 10 दिन में लोगों के बीच आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। वो ये नहीं है कि मिनिस्टर बनने के बाद चंडीगढ़ सेक्रेटरिएट में जाके बैठ गए, आम लोगों में घूमते हैं और लोगों का काम करते हैं। उन्होंने किसी भी गाँव में किसी तरह की पानी की, बिजली की, किसी तरह की कोई भी व्यवस्था जो है दुरुस्त करनी थी वो कर रहे हैं। मतलब इससे अच्छा नेता रानिया हल्का को और हमारे सिरसा जिला को इनसे अच्छा मन नहीं मिल सकता। के वोट वो चौधरी रणजीत सिंह जी के हिसाब से हैं, राजकुमार नैन को हैं? देखो जी, ऐसा है, मैं कहता हूँ कि खारिया गांव में तो चौधरी रणजीत सिंह जी के वोट तो है ही है, उनके तो सारे हल्के में वोट है, लेकिन राजकुमार जी नैन का भी हमारे साफ छवि का व्यक्ति होने के बाद मैं तो कहता हूँ उनके वोट चौधरी साहब, अगर उनको मान लो जितने वोट दिलवाएंगे ना, तो उसका 1.25 गुना करके भी लोग देंगे। इनकी गौ सेवा की जो गौ सेवक के इनके रूप में जो खारिया गाँव की इनकी छवि है और हल्के में चौधरी साहब की जो अच्छी छवि है और जो उनका विकास की सोच है उसके ऊपर वोट मिलेंगे जी। ठीक है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी, आप क्यों साथ घूम रहे हैं? हम तो साथ घूम रहे हैं चौधरी साहब के कारण, और ये हमारा गांव का भाई है, गौशाला का प्रधान है जी, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। 4 सरप्लस है हमारे पास गौशाला में, बहुत ज़्यादा तूड़ी सरप्लस है जी, पैसे भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि 10 किलो गेहूँ एक ही पर एकड़ और 50 किलो तूड़ी, वो किया तो अपने आप डाल के आते हैं। और इतना है जी, हमारा अब इस बार कमज़ोर था, थोड़ा उगोरा ही कम थी, गेहूँ कम हुई थी, फिर हमारी तूड़ी जो है सरप्लस होगी, क्यों सारा लिया, अच्छा कोऑपरेटिव आदमी है जी और भला आदमी है, मुंगानाथ का आशीर्वाद है, चौधरी साहब का
मोड़े पर आता है। अच्छा। तो इस कारण इसका बहुत अच्छा चल रहा है जी। भला आदमी बलमान सिंह का वोट है जी। ठीक है, शुक्रिया भाई साहब। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हमारे जोन नंबर 6 से कैंडिडेट हैं जी राजकुमार जी नैन। सबसे पहले तो ये जी बहुत ही साफ छवि के इनका व्यक्तित्व है। और खारिया, जैसे कि आप जानते हो धर्म नगरी है खारिया, तो हमारे गौशाला के प्रधान हैं जी, गौ सेवक हैं। आपको पता ही होगा जी, जैसे कि अभी पीछे लंपी बीमारी आई थी जी गाय में, तो मैंने खुद ने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनको खुद को देखा, तो ये उसको लेके इतना गंभीर थे भाई, ये एक एक गऊ की इन्होंने खुद जाके उनका डॉक्टर साहब के साथ निरीक्षण करवाया। तो जी बहुत ही बढ़िया कार्यकर्ता हैं जी, चौधरी साहब का आशीर्वाद है जी इनको, तो भारी मतों से विजयी बनाए जी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि राजकुमार नैन को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं जो है वो लोगों ने कही हैं कि गौ सेवा को हमेशा समर्पित रहते हैं। और इसके साथ साथ राजकुमार नैन जी के साथ साथ चौधरी रणजीत सिंह जी का भी काफ़ी अच्छा योगदान जो है वो इस इलाके के अंदर बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। और इनका साफ तौर पर कहना है कि चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा किए गए विकास कार्य और राजकुमार की सरलता को देखते हुए लोग जो है वो उन्हें पसंद कर रहे हैं। खैर, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर कौन यहाँ से विजयी होता है और कौन पराजित होता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजकुमार नैन जो कि प्रत्याशी हैं, उनको लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।